पदाधिकारी मुर्दाबाद। गायिका लाज नहीं करने पर आक्रोशित हुए लोग किया दोनार चौक को जाम। दरभंगा जिला के दोनार चौक को विभिन्न संगठनों के द्वारा जाम कर दिया गया। बताया जाता है कि करीब चार रोज पहले दोनार चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक वालों ने बैल को धक्का मार दिया, जिसको लेकर विभिन्न संगठनों ने कई बार पशुपालन विभाग को सूचना दिया, जिला प्रशासन को सूचना दिया, किसी ने सूद नहीं ली। अंत में सामाजिक लोगों के द्वारा उसे देखभाल किया जा रहा है। आज बुरी स्थिति में सभी संगठनों ने रोड को बंद कर दिया। सभी का एक ही कहना है कि सरकार का इतना पैसा कहां जा रहा है, पशुपालन विभाग किस काम की। चार दिन पहले एक ट्रक से यहाँ बैल है, देख सकते हैं आप रोड साइड में, उसका धक्का लग गया था, उसका पैर टूट गया है। चार दिन से लोग यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था से लगातार बात कर रहे हैं कि उनका आइए इसका इलाज किया जाए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था मौन में है, चुप है, कुछ नहीं किया जा रहा है। आज गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने बार बार अपना जो प्रयास था वो करने का काम किया, बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था नहीं सुन रहा है, तो इन लोगों ने अभी सड़क जाम किया है। और हमें लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था को इस पर एक्टिवनेस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ चार दिन पहले नंदी महाराज का रात्रि में एक्सीडेंट हो गया था, जो बुरी तरीके से उस एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, दोनों पैर उनका जो टूट गया। यहाँ लोकल, यहाँ के समाज के लोगों के द्वारा यहाँ के पशुपालन पदाधिकारी को सूचना दिया गया, वो फॉर्मलिटी के लिए आए और चले गए। लेकिन आज चार दिन से हम लोगों ने, मैं खुद यहाँ के पशुपालन पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात किया, उन्होंने हम लोगों को समय दिया, कल कहा कि मैं कल इसे विधिवत रूप से व्यवस्थित रूप से इसको इलाज करवाऊंगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। बारिश के लिए बाध होकर मजबूरी बस हमको रास्ता जाम करना पड़ा है। इस नंदी महाराज का इलाज हो, जब सरकार सारी सुविधाएं दी हुई है तो सुविधाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज सरेआम सड़क पर जो है खुलेआम पशुए घूम रहे हैं और नगर निगम किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करती है, न पशुपालन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करती है। यहाँ गौशाला के नाम पर कई एकड़ जमीन है, जिसे देखिए पिछले चार दिनों से नंदी महाराज यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होके पड़े हुए, इनका पैर का हड्डी टूट गया है, इसे मल्टीपल फ्रैक्चर है। विभाग के पशुपालन जो वेटरनरी विभाग है उनमें डॉक्टरों को फोन किया गया, जिला प्रशासन को फोन किया गया, लेकिन सब नींद में सोए हुए हैं, इसके प्रति किसी की कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है। कोई अपना फोन ऑफ करके बैठे हुए हैं, कोई कह रहे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये गंदी महाराज चार दिन से यहीं पड़े हुए हैं और इसे पड़े पड़े कैसे कितने सारे पशुओं का यही हाल है। सिर्फ किसके वजह से, तो जिला प्रशासन और पशु विभाग के वजह से। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आज रोड जाम करके केवल उन्हें ये कहना चाहिए, इनका पूरे इलाज करवाए, इनका सही से सब कुछ करवाए, उठा के सही से पटना ले जाके इनका इलाज